पढ़ो गुरुदेव राधा स्वामी। गुरुदेव राधा स्वामी तुमसे लगन लगी है, तुमको न भूल जाता मुझे सिखा दो। वो तो याद आएगा या नहीं आएगा, जब तक हमारा जिस्म और मन है हम गुरु के रूप को भूल उसको ना भूलो। अब जिंदगी तो मैंने गुजारनी है, ये तो मुझे पता लग गया कि मेरा घर जो है अकह अपार अगाध अनाम है, इसको तो मैं जान गया समझ गया, मगर अब जीवन मैंने गुजारना कैसे गुजारूं? 24 घंटे तो मुझसे वहां रहा नहीं जाता, अगर कोशिश भी करूं तब भी नहीं रहा जाता। हालात वाकयात जिस्मानी प्रकृति सर्कमस्टेंसेस मुझे वहां नहीं ले जा सकते, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? कोई तरीका है जिंदगी गुजारने का? ये गुरु के स्वरूप को हर वक्त अपने सामने रखो, इसी का सहारा पकड़ो। अब मैं यही करता हूँ, क्या करता हूँ? वो तो मुझे पता, खबर तो खत्म हो गया कि रब कितने है, केड़ा रब है, वो तो पता रह गया, वो अकह अपार अगाध अनामी है, इसका तो मुझे यकीन हो गया ना, होना भी चाहिए। तुमको यकीन ना है, मुझे तो आ गया ना। उदय सिंह बुरा न मानना, हम गुरुओं ने दुनिया के को ठगा, बस ये बता देता हूं, हमारा खून पिया है, हमारी दौलतें लूटी हैं, हमारे धन लूटे हैं और हमको अपना ना गड़गड़ाया। सच्ची बात किसी ने नहीं बताई, मेरी तो आंखें खुल गई, मेरी तो आंखें खुल गई, लोगों के अंदर मेरा रूप प्रकट होता है, दुआइयां बताता है। मेरे तो बाप को पता नहीं होता कौन गया किसी के सुखने में, मुझे पता नहीं होता क्या मान लिया। तो जब तक जिंदगी है कैसे काटनी? एक इश्क बना लो, जिस जगह से तुमने नाम लिया हुआ है उसको हर वक्त, उसको अकाय अपार अगाध अनाम समझो, मालिक का रूप मान लो, बस उसके सारे अपना जीवन काटो। मैं तो ऐसे काटता हूं, मुझे ये समझ नहीं आई। जब तक जीना है तब तक सीना है, दुनिया में रहो एक उसका सहारा पकड़ो। वो मालिक ग्रंथ किसी ने उसकी था नहीं पाई, अगर किसी ने पाई तो स्वामी जी ने हैरत 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 कह दिया। कबीर ने जहां पुरुष तहां कछु नाही, कहे कबीर हम जाना हमारी सहना जो कोई समझे। ऐसे अपनी जिंदगी गुजारो, मैंने ऐसा समझा, मेरी समझ नहीं आया, मगर ये दावा नहीं है कि मैं जो कुछ कहता हूं यही ठीक है। मेरी समझ में भी आया, पता नहीं पिछली जिंदगी है कैसे गुजरेगी, किस मौत मरूंगा, क्या होगा मेरे साथ, ये तो जो कर्म मैंने किए हुए हैं वो भुगतने पड़ते हैं, बस सब पूरा करते हैं। यहां से तुमने नाम लिया है, जिस रूप को मानते हो एक को मानो, उसको पूर्ण मान लो, उसका एक का सहारा लो, काय को फर्क से फिर से आज ब्याज गए कल हथियार पर आए परसों अगले गए चौथ प्राणी कोई फायदा नहीं, एक जगह बैठ जाओ। इस वास्ते इस एक का विश्वास कराने के लिए कि अंतर में तुम ठहर जाओ, बाहर का सत्संग ही भूल कर फिर कर बैठो साधन प्यारे सतगुरु तेरा काल सवारे, सुनान स्वामी फिर कर बैठो साधन प्यारे सदगुर तेरा काल सवारे। एक जगह रख दो, दिल लगा लो, मन लगा लो, बस जिंदगी अपनी इस तरह से गुजार दो। मरने के बाद क्या होता है ये दलीलें हैं उदय सिंह, कोई सबूत किसी के पास नहीं है। उसे किया, मैं बुढ़ापा है, कोई ना कोई रोग मुझे भी लगा रहता है,
कभी पेशाब की तकलीफ है, कभी पेट में दर्द है, मैं क्या करूं, किधर जाऊं? मगर ये तालीम बहुत ऊंची है, आम पब्लिक के लिए फायदा मंद नहीं। आम पब्लिक के लिए यही है, एक जगह विश्वास रख लो, आंख अच्छी रखो बस। मगर आंख अच्छी रखना भी अपने बस में नहीं, सच्ची बात तो ये है, मैं तो खुद इस नतीजे पर आया हूं। या प्रशोधन दास, पता नहीं मेरा दिमाग खराब हो गया, पता नहीं मेरा क्या अंजाम होगा, मुझे पता नहीं, मेरे बस की बात है। बाकी वो जगह तो वहाँ ना खराबी है, ना कोई ऐसा बना है। मैं सोचा करता हूँ जाता जाए कितने आपकी मिस्टेक है, मगर धाम ने उजड़ना था उसको बिताना था, धाम ने उजड़ना था उसको बिताना था ना। और मेरा जो ख्याल था कि धाम उजड़ जाएगी वो ठीक नहीं था। तो आप लोग आ जाते हैं, आपको एक ही बात कहता हूं, आप आए हैं निजामाबाद से मारियो, सबसे पहली चीज ये है, अगर कर्म की फिलॉसफी ठीक है, किसी दुखिए की मदद किया करो बस, किसी दुखिए की मदद किया करो, उसकी शुभ भावना दिया करो, गुरु की आशीर्वाद से ज्यादा किसी दुखिए की आशीर्वाद तुम्हारे लिए ज्यादा फायदा करेगी बजाय गुरु की आशीर्वाद। ये मेरी समझ गया, मीठा बोलो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी दुखिए की मदद करो, उसकी शुभ भावना जो है ये काम। मैं आपको अपनी मिसाल बताता हूं, एक वैद्य आज होशियारपुर जलंधर से गांव कह रहे हैं मेरे पास आया, कहता जी 12 साल हो गए मेरे बच्चा नहीं है। मैंने कहा क्या काम करते हो वैद्य? मैंने कहा अच्छा, गांव में रहते हो, अपनी ड्यूटी जो तुम्हारा आज पहले का वक्त है, इसके बाद अगर कोई तेरे पास गांव का गरीब आदमी आए या अमीर आदमी है उसके घर में फौरन चले जा करो, उसका इलाज मुफ्त किया करो। मैंने सोचा गांव में रहता गरीब आदमी आते हैं और वक्त के बाद वही आएगा जो दुखिया है, दूसरा तो कोई नहीं आएगा। बात आई चली गई, डेढ़ साल के बाद मैं मास्टर मोहनलाल के मकान पर सत्संग करा रहा था, मैं तो भूल गया वो आया, उसने लड़का मेरी गोद में डाल दिया। मैंने कहा भाई क्या है? फिर उसने बताया, अब मैंने लड़का लिया दुख। मैं गरीब आदमी, लड़का सिर्फ 200 रुपए महीना देता है मुझे, मेरा 200 रुपए में गुजारा नहीं कर सकता, 450 रुपया खर्च है मेरा। एक कटनी वाले हैं, वो मेरे पास, उनको पहले खबर था ब्याज के संबंधी थी, वो मेरे पास जहां मैं जाता आया करती थी सत्संग सुन लिया। उनका कारोबार नहीं चलता था, मैंने कहा भाई तुम जो भाई हो कच्ची दुकान खोल लो, ब्याज को उसका नाम रख लो, करियाना बेच देते, मैं क्या तुमको भाग लग जाएगा। उन्होंने एक कमरा दुकान ले ली, उसमें उन्होंने दुकान खोल ली, उनको पैसा मिलने लग गया। मेरे पास आए, मुझे कहते हैं बाबा जी हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई सेवा की मुझे जरूरत तो है, मगर एक शर्त पर, कहने क्या कि तुम अपनी जिंदगी में मुझसे दुनिया या प्रमाण की कोई चीज
मांगोगे नहीं, फिर सेवा करो उनके नाम आए। आज वो आज 7-8 साल से 2500 रुपया महीना भेजते हैं 50 मंदिर के लिए, 200 मेरे लिए, लाखों में फेरते हैं। क्यों? अगर उनका 200 रुपया ना आए तो मेरा गुजारा है नहीं, है ना? तो जब उनका रुपया आता है, मैं अगर ना भी चाहूं उनका फला, तो मैं मेरा मन फटदी के लिए उनके लिए शुभ भावना चाहता है, क्योंकि मैं आर्थिक दुखिया हूं ना, मैं आर्थिक दुखिया हूं, अपनी तो कोई आमदनी कहीं से मिलती है मंदिर में दे देता हूं। लड़का सिर्फ 200 रुपया देता है, घर का खर्च 450-450 कम नहीं है, दवाइयों का खर्च है, घर में सुरतों को निगरानी करने वाले दूसरे कई एक गोपाल दास के घर पे रहते हैं, उनका खर्च भी मेरे सिर पर है। तो मेरे अंतर से अगर मैं ना भी चाहूं तब भी मेरे अंदर से शुभ भावना निकलती है, बस ये तुम आए हो, तुमको एक बात बता दी, किसी दुखी की मदद किया करो, बस इसके सिवा और कुछ नहीं। मगर इसमें अपना अहंकार ना आने पाए, गुरु की मार्फत दान इस बात दिया जाता है कि आदमी को अपना अहंकार नहीं आता कि मैंने किया। यहाँ क्या है, वो रूपलाल का क्या हाल है, एक अंधा है वो बैठा हुआ है, ऐसे आदमी आते हैं, इनकी सेवा होती रहती है। अब इनका वो फल है मुझे मिलेगा, जो देखे हैं उनको फल क्या मिलेगा, मुझे काहे का फल, मुझे तो कुदरत ने यश देने को, तो आप लोग दूर से आए हैं, मैं आपकी कदर करता हूँ। ये सब भाई नंद सिंह जी के चेले हैं, शब्द के सुनने से अंतर में जो जो उसको शांति मिलती है, बाहर वो कह नहीं सकता। यही शरीर ने कहा, पानी तो पानी भरे चारों वेद मजदूर, करनी तो गारा करे रहनी का घर दू। इसके मैंने ये नहीं है कि वेद गलत है, वहां हिंदू वेद कहते हैं, हम इन ग्रंथों को कहते हैं। सार वचन हुआ, कबीर की वाणी हुई, गुरु नानक साहब की वाणी हुई, रामायण हुआ, भागवत हुआ, ये क्या है? ये आप इनकी जो वाणी सुनते हैं, इनको सुनकर जब तक करनी नहीं आएगी, गारा नहीं आएगा, यानी ये दोनों को मिलाकर एक चीज नहीं बनेगी, तब तक रैनी नहीं आ सकती। तो रैनी क्या है, तुमको नहीं करना, तुमको नहीं कहना, शोभा मेरी, मैं अपनी आत्मा से बथेरा थक गया तू दुनिया ने, गुरु बन के मत्थे टिका ले, दर्जे ले ले, इज्जत ले ली, सिद्धि शक्ति ले ली, तू दस पड़ गया, तू कितने रहना है? कोशिश करता रहता हूँ अपने अंतर में शब्द में लय होने की, उससे क्या हो जाता है, बाहर की गति भूलती रहती है। फिर क्या होता है, आगे पढ़ो, अपने बैठ के पाई मन गंध मचाना भूल गया। ये
जब घट में सुर्ख शब्द से लग जाती है तो मन द्वंद नहीं मचाता। द्वंद जानते हैं दो पना, यानी मन के अंतर से कोई दूसरी चीज पैदा होके उसके साथ वो प्यार नहीं करता। सुरूप जो है जिसको ज्ञान हो जाता है, समझ आ जाती है सत्संग से और नाम से, वो मन के अंदर से जो ख्याल उठते हैं ना उनको सच्चा मानकर उनके पीछे दौड़ता नहीं है। इसको बोलते हैं द्वंद मचाना भूल गया। आगे दृष्टि सृष्टि गति समझ पड़ी जैसी दृष्टि तैसी सृष्टि, काल कर्म माया और भव भैसे आँख देखाना भूल गया। दृष्टि और सृष्टि जैसा हम अपने दिल में ख्याल कर लेते हैं किसी के मुतल्लिक, जो कुछ भी हम सोचते हैं जैसा हमारा ख्याल होता है वैसी हमारी दुनिया बन जाती है। तो जब इसका ज्ञान हो जाता है कि ये जो कुछ भी है सब संस्कार है, दर हकीकत है कुछ नहीं, तो ये क्या हो जाता है? वो जो हमारी ख्याल की ताकत से अपनी दुनिया बनाते हैं उसका जो असर पड़ता है रूप पर वो कम रहता है या पड़ता नहीं। इस कड़ी को फिर पढ़ो। देखते गति समझ पड़ी जैसे दृष्टि तैसे दृष्टि, काल कर्म माया और भव भैसे आँख दिखाना भूल गया। आँख दिखाया क्या? मुझे हालात वाकयात आते हैं दुखी या सुखी होते हैं तो उससे उसका नाम है आंख दिखाना, तो हम उसमें फंस जाते हैं। तो जिसको ये ज्ञान हो रहा था मुझ पर तो दाता का बड़ा एहसान हुआ, सिर्फ इस एक ख्याल से कि मेरा रूप लोगों के अंदर जाता मैं नहीं होता, मेरी जिंदगी का कस्ता बदल गया। वो पूरी तरह नहीं बदला मगर मैं कोशिश करता रहता हूँ कि अपने आप को दुनिया को भूलता रहूं और अपने अंतरों मगर प्रारब्ध कर्म खाजी अतराज अभी सदरा रहते हैं वो इतना फंसता नहीं। आगे तीन ताप की दीपित गई कल के कलेश दारण मेटे, गोरे चरण कमल की छाह मिली उत पात में आना भूल गया। तो फिर क्या हो गया? गुरु के चरण प्रकाश नूर है अपने अंदर में, सावित्री है गुजरती मंदिर के हिसाब से। तुम मैं ये नहीं कहता कि बाहर के गुरु से तुम प्रेम न करो, जब तक तुम बाहर के गुरु से तुमने प्रेम करने की आदत नहीं तुम वहाँ कुर्बानी कुछ नहीं कर सकते। वहाँ प्रेम तुम अंतर में उस प्रकाश को पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि कुर्बानी करने का मादा तुम में नहीं आया। जो अपना वक्त अपना पैसा कोई चीज कुर्बान नहीं कर सकता बाहर में, उसको आदत त्याग की नहीं है ना, तो जब वो अपने मन के अंदर ध्यान लगाएगा जो मन की वृत्तियां निकलती हैं उनको छोड़ कैसे सकता है वो? जब बाहर में दुनिया की चीज नहीं छोड़ सकता तो अंतर में वो अपने मन के खेलों को जहां मन का जाता है उसको कैसे छोड़ेगा? जो जो नहीं, इस वास्ते सबसे पहले एक गुरु भक्ति का तरीका रखा गया है। जिसको बाहर में कुर्बानी करने की इच्छा नहीं कर सकता वो अंतर में अपने मन को, मन की जो तुरंगे हैं उनको रोक नहीं सकता। आजमा दे
होगी, क्योंकि मन का स्वभाव है इस तत्व की, इसको त्याग की बाहर में आदत नहीं, तुम अपने मन के जज्बात को कैसे छोड़ सकते हो, निकल छूट ही नहीं सकते, इस वास्ते बाहर में कुर्बानी करने की जरूरत होती है। मगर इसको बोलते हैं इश्क मजाजी आगे शांति है, आनंद है, सुख का जीवन है, दुखदाई जग सुखदाई है, बचता दुख पाना भूल गया। क्या मिलता है, मैं ये नहीं कहता कि मैं सब सुनता हूँ उड़के फिर ना आऊंगा, मेरे पास कोई सबूत नहीं। मैं अगर ये कहूँ कि मैं सब थ्योरी है मेरे पास, थ्योरी के स्वभाव क्या है, क्या खबर मैं हूँ या ना हूँ, अनुमान ही है ना, मगर इस साधन से मिला क्या, शांति ये आगे। राधा स्वामी की शरणाई, निज रूप की मुझको समझ आई, समझा सब को अगमा पाई, मन से लगाना भूल गया। निज रूप की समझ क्या है, सब कुछ अगमा पाई, दुनिया भी नाशमान है, सब चीज कुछ नहीं, एक दिन सब नहीं चले जाना है, मन के जितने तखय्युल ख्यालात उठते हैं ये भी सब चले जाएंगे। इसकी तो मुझे सिर्फ एक, मैं धर्म से कहता हूँ कि इस वक्त अगर मेरा कोई गुरु है तो आप लोग, सिर्फ आपके इस एक ख्याल ने कि मैं तुम्हारे अंदर जाता हूँ मैं नहीं जाता, मेरी जिंदगी ने इतना पलटा खाया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो तुम आए हो दोस्त, मैंने कोई कसर तुमको समझाने में छोड़ी, गुरु के चरण प्रकाश इसको पकड़ने की कोशिश करो। एक गुरु है शब्द, तुम्हारा शब्द के साथ मिलने की जो अवस्था है उसी का नाम है राधा स्वामी। समझ गए मेरी बात, तो नहीं समझ आती है मगर मैं आपको बोल देता हूँ, कोई शख्स भी मन को काबू नहीं कर सकता जब तक उसको वैराग्य नहीं है। वैराग्य में क्या होता है, त्यागी होता है ना, और क्या होता है, तो जिसमें वैराग नहीं है, जो कुर्बानी नहीं कर सकता, वो इस मंजिल को पहुंच नहीं सकता। स्वामी करम जी महाराज नाम का मंदिर होशियारपुर में खास आई 5 1973। तू नहीं कुछ चाहता, लोगों को नसीहत करता है, क्या तुझको क्या नहीं होती है दोस्तों, जब शरीर में तकलीफ होती है तो चाहता हूँ बीमारी आई हो जाए, घर का खर्च पूरा करने के लिए चाहता हूँ पैसा आ जाए, मंदिर का काम है चाहता हूँ कोई आदमी पैसा दे जाए, अच्छा अगर किसी वक्त रात को जब अकेला बैठता हूँ ये क्या नाम ही करूँ, क्यों फकीर जैन से तू क्या चाहता, तू क्या चाहता,
मैं कहता हूँ मेरी सोच अंतर में सिमरन के साथ लगे ताकि शांति में ध्यान के साथ लगे फिर शांति में मगर मुझ में एक मुख आ गया सिमरन ध्यान तो मैं करता हूँ मगर इस ज्ञान ने कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता लोग कहते हैं मेरा रूप अंदर में प्रकट होता है मैं नहीं होता तो फिर मैं सिमरन ध्यान से परे किसी चीज की तलाश करता हूँ ये जो ज्ञान मुझको हुआ ये बुरा भी हुआ और अच्छा भी हुआ अच्छा तो इसलिए हुआ कि अगर मैं सिमरन ध्यान से आगे चला जाऊं तो फिर यहां नहीं आऊंगा जिसम नहीं दूंगा सिमरन ध्यान का तलक मन से और शरीर से है तो जब तक इंसान सिमरन और ध्यान में है या मन और जिस्म के चक्कर में है मेरा तजर्बा जाति शायद मैं गलती पर हूं तभी तो मैं कहा करता हूं काश ये महात्मा अपनी रहनी बताते रहनी हजूर महाराज ने इस शब्द में अपनी रहनी बताई है कि उनके साथ क्या बीतती है जो उनके साथ बीतती है वही मेरे साथ बीतती है तो जब तक इंसान काल और माया के चक्कर से यानी मन के चक्कर से नहीं निकलता वो भव सागर से पार नहीं जाता तो ये मेरे दिल में सोच रहती है क्यों अभी जिस्म है मन है मैंने तुमको कितनी सच्ची बात कही कि क्या से मैं भी बरी नहीं दर्द जब होती है कोई तकलीफ होती है तो उससे बचना चाहता हूँ घर का खर्च चलाने के लिए पैसे की जरूरत रहती अच्छा ये भी छोड़ जाता हूँ बाजे वक्त आमतौर से हर वक्त तो ये ख्याल नहीं रहता तो फिर सिमरन ध्यान में लगा रहता मगर चूंकि ये ज्ञान हो गया है कि सिमरन ध्यान में रहने से एक आनंद मिलेगा उसी मिलेगी मगर भव सागर से पार नहीं जा सकता क्यों मैं कहता हूँ सिमरन ध्यान करने करता आया हूँ 1905 से सारी जिंदगी ही खबत में गुजर गई फिर क्या करना चाहिए मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ फिर क्या करना चाहिए हजूर महाराज क्या करते होंगे ये तो हमको पता होगा मैं क्या करता हूँ मुझको उस मालिक के घर का पता लग गया है कि वो मालिक क्या है वो मालिक है जिस्म अंड मन ब्रह्मांड से परे जिसमें कभी चला जाता हूं
तो ना तो शरीर की सुध रहती है ना मन संकल्प उठाता और ना ही प्रकाश होता है। शब्द जरूर रहता है मगर इस तरीके से करने से मैं भविष्य तो अभी नहीं निकला, इस वास्ते यही प्रार्थना करते रहता हूँ। ऐ मालिक ऐ दाता अब ये कलेवर छूट जाए। उस अवस्था में चला जाऊं जिसका अनुभव हुआ है मुझे, वो अवस्था क्या है कहने में नहीं आती, अनुभव में आती है। वो अवस्था है अपनी हस्ती को भूल जाना, अपने हैपने को, अपनी हस्ती को भूल जाना। शुरू में भी यही अवस्था थी और आखिर में भी। अब जो दरमियानी रहता है इसको कैसे गुजारा जाए, सोच तो रहती है, सोच तो मुझे रहती है। हजूर महाराज के कबर से ही पता लगता है उनको थोड़ा उस कड़ी को क्या लगता है। सुरतिया सोच करते कैसे जाऊं भोके पाऊं, भजन ध्यान मोसे बन नहीं आवे काल कर बरिया। क्या काल कर्म बरिया, हर वक्त मेरी सोच भी वहाँ नहीं जाती। वक्त काल कहते हैं वक्त को, वक्त में जो हरकत होती है उसका असर सिर्फ पर पड़ता रहता है, मेरे पर नहीं सब पर ही पड़ता है। जब तक जिंदगी है काल और कर्म के असर से कौन बचेगा सिवाय उस हालत के जब तुम गहरी नींद में चले जाते हो, कहे टांग कटी हुई है, बुखार चढ़ा हुआ है, पेट में दर्द है, अगर गहरी नींद आ जाए तो वक्त का जो असर है वो तुम पर नहीं आएगा, तुम आराम में रहोगे, एक ऐसी अवस्था में रहोगे। वो तो है कुदरत जिस्मानी तौर से, ये मौज कुदरत बड़ी रहीम है, बड़ी दयालु है। अगर ये नींद न होती तो जिंदगी मुहाल होती। इस नींद से आदमी फिर उठ खड़ा होता है और उस आखिरी नींद से फिर नहीं आता। इसी वास्ते संतों ने जीव को इस जिंदगी में इष्ट किसका दिया है, राधा स्वामी का या अकाल पुरुष का या उन्नत अवस्था का या विस्मादी का या फॉरगेटफुलनेस का या स्टेट ऑफ स्टेटलेसनेस का या अनामी धाम का क्यों दिया है, ताकि जीव को उस इष्ट के सहारे जब उसका अंत समा आए तो उसको वो चीज नजर आए, वो अपना इष्ट नजर आए। कौन सा इष्ट, दुनिया दीवानी है, कोई मरते समय हजूर महाराज को याद करता,
कोई मरते समय राम को याद करता है, कोई मरते समय बाबे फकीर को याद करता है, कोई मरते समय बाबा सावन सिंह को याद करता है। ये जितने इनको याद करने वाले हैं, इनमें से कोई भी भवसागर से पार नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। संतों का इष्ट जो है, ये है सबसे ऊंचा। पहला एक शब्द पढ़ा था, क्या पढ़ा था वो? संतों का मार्ग। मार्ग नीना कोई गुर मुख जाए, कोई गुर मुख जाए, गुरु प्यारे का मार्ग नीना। वो कहते हैं क्या ये चीना नहीं है? मैंने उसके चीना होने की सबूत दे दिया, तुमको नहीं दिया दोस्तों, झूठ है। अपने आप को समझाता हूँ कि ओ बुढ़े, अगर इस जन्म से बचना चाहता है तो अपना इष्ट रख। कौन सा? राधा स्वामी मत के मुताबिक राधा स्वामी का या अनामी का, कबीर मत के मुताबिक राम का या अनामी का, हिंदुओं के मुताबिक परम तत्व आधार का। ये जीना मार्ग है, इसको कौन समझ सकता है? बोलो गुरु प्यारे का। गुरु प्यारे का मार्ग नीना, कोई गुर मुख जाए, कोई गुर मुख जाए, गुरु प्यारे का मार्ग नीना। गुरमुख जाए, गुरमुख कौन है? जो गुरु को मुख रखता है, सामने रखता है। तो गुरु कौन हुआ? गुरु है वचन। गुरु का वचन ही मूल मंत्र है, गुरु वाक्यम मूल मंत्रम। तो जाका समझाया करते थे, मगर मुझसे मेरा प्रेम जरूर था, मेरा प्रेम उनकी देह के साथ था। गो मैं उस देह में उस मालिक को मानता था, उनकी वचन की मुझे समझ नहीं आती। तो ये जो काम मुझको दिया गया था, ये सिर्फ मुझको गुरुमुख बनाने के लिए दिया गया था। गो मैं दादा से प्रेम करता था, मगर सच्चे मायने में मैं गुरुमुख नहीं था। इसलिए ये मार्ग बहुत जीना है। मैं आज अभ्यास में गया था, रात को भी था, क्योंकि मेरे मन के अंदर ये हालत पैदा होती रहती है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। कभी ख्याल आता है तो मंदिर का भी ख्याल आता है कि इसका इंतजाम होता है, घर में रहता हूँ, बच्चे आई अपनी ये भी ख्याल आता है कि ये कभी आए हैं, लड़का कैसे खरीदता है।